फाइन, माय नेम इज़ कुलदीप मिश्रा, आई एम सर्टिफाइड ऑटोमेशन ट्रेनर। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे, टॉपिक आज का है स्काडा। स्काडा क्यों यूज़ करते हैं, क्या यूज़ है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ उसमें हम सॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों को यूज़ करते हैं, आज हम वो देखेंगे। हमारा फर्स्ट सेशन होगा, हम सारी एनालॉग प्रॉपर्टीज़ के बारे में आज देखेंगे, बाकी चीज़ें हम बारी बारी से आपको ट्यूटोरियल में देते जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं स्काडा है क्या, स्काडा क्या फुल फॉर्म समझते हैं। सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन, दैट मीन्स व्हाट, किसी भी चीज को सुपरवाइज करना, उसको कंट्रोल करना, उसका डेटा फाइंड आउट करना और उसे एक्विजिट करना, दैट मीन्स व्हाट, अगर मैं किसी चीज, मेरा एक कोई इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में कोई चीज चल रही है, मैं यहां बैठकर देखना चाहता हूं, तो हम क्या करेंगे, आईपी एड्रेस को उस इंडस्ट्री का जीयूआई बनाएंगे, दैट इज व्हाट, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। स्काडा क्या होता है सर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो अब हम क्या करते हैं, हमने एक इंडस्ट्री का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाया, हम उसे देख सकते हैं। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए हम किसी चीज को कैमरे से देख लें तो क्या होगा, तो कैमरे से सुपरवाइज करना और स्काडा से सुपरवाइज करने में क्या फर्क आता है वो हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में एक फैन लगा है, आपने बटन चालू करी, फैन ऑन हुआ, माना बटन चालू करी, फैन ऑन नहीं हुआ, तो कैमरा लगा है तो क्या बताएगा, फैन चालू हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन यदि आपके पास स्काडा है तो स्काडा क्या बताएगा, बटन से पावर गया कि नहीं गया, बटन तक पावर आया कि नहीं आया, फैन को पावर गया कि नहीं गया, मतलब आप उसे अपने आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे बिना कहीं गए हुए, मतलब आपको सब कुछ प्रॉपरली दिखाई दे रहा होगा, मतलब आप सब कुछ क्या कर पा रहे हैं, सुपरवाइज कर पा रहे हैं। करेक्ट सर, अब सब कुछ सुपरवाइज कर पा रहे हैं मतलब क्या, हमारा सुपरविजन प्रॉपर है, ये सिर्फ विजुअलाइजेशन नहीं है, मैं कैमरे से क्या कर पा रहा हूं, सिर्फ देख पा रहा हूं कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। लेकिन स्काडा का सुपरविजन कैसा है, वो उसका इंटरनल सुपरविजन करता है, मतलब अंदर क्या काम है या वो अंदर में क्या प्रॉब्लम आ गया, उसके इंटरनल में क्या प्रॉब्लम आ गया, वो हम चीजें देख पाते हैं। ओके, द नेक्स्ट टास्क इज व्हाट, कंट्रोल, मतलब मैंने एक, अगर कोई लाइट मेरी घर पे चल रही, मैंने यहां से उसे चालू किया, अब वो चालू हुई कि नहीं हुई, हाउ कैन डू, हमने क्या किया, हमने सुपरविजन तो देखा, मैंने बटन दबाया, वहां चला कि नहीं चला, मैंने यहां से देखा, मतलब आप चाहो तो आईपी एड्रेस के साथ अगर आपने पीएलसी को ऐड किया हुआ है तो आप अपना स्काडा पीएलसी के साथ कम्युनिकेशन अगर आप कर देते हो, आपका स्काडा पीएलसी के साथ कम्युनिकेटेड है, तो आपको सारा कुछ जो भी ऑपरेशन आपका बाहर चल रहा है वो आप यहां पर देख सकते हैं। कंट्रोलिंग में बात करें तो आप उसका पूरा, जैसा आप बात करें उसका अलार्म देख सकते हैं, आप उसमें ट्रेंड्स देख सकते हैं, यहां पर दो तरह के ट्रेंड होते हैं, एक रियल टाइम ट्रेंड है, दूसरा हिस्टोरिकल ट्रेंड है, मतलब आप रियल में देख सकते हो कैसा चल रहा है, हिस्ट्री में पीछे देख सकते हो वो कैसा चला था, पीछे कब प्रॉब्लम आई थी, वी विल सी ईच एंड एवरीथिंग इधर। उसके बाद दूसरा टास्क हमारा डेटा, अगर मान लीजिए मेरा कोई फैन कब से चला, कब बंद हो गया, उसमें कितना पावर लगा, कितना पावर जनरेशन हो रहा है, वो सारी चीजें हम एक्सेल शीट में डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे के टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि कैसे हम इस स्काडा को एक्सेल के साथ कनेक्ट करेंगे, वो सारी चीजें हम वहां पर देखेंगे। बट पहला टास्क क्या है, हम पहला वीडियो देख रहे हैं तो हम पहली कोशिश करेंगे कि पहले हम पहला प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, वो चीजें हम यहां देखेंगे। ओके, तो अब उसके पहले कि स्काडा कितने टाइप से है, मार्केट में बहुत टाइप से स्काडा चलते हैं, हम जो अभी आज पढ़ने वाले हैं या जिस पे हम काम करने वाले हैं वो है वंडरवेयर का इनटच स्काडा, मतलब कंपनी का नाम क्या है सर, वंडरवेयर, सॉफ्टवेयर का क्या नाम है, इनटच। तो हम इनटच पर काम करने वाले हैं, मतलब मेरा स्काडा कौन सा होगा, इनटच होगा। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इनटच में, तो फाइल कैसे बनाएंगे पहले वो देखेंगे, फिर एनालॉग प्रॉपर्टीज देखेंगे। अब एक बात आती है एनालॉग प्रॉपर्टी, तो एनालॉग प्रॉपर्टी को चलाने के लिए स्काडा में होता है स्लाइडर। स्लाइडर क्या होता है, स्लाइडर इक्विवेलेंट होता है पीएलसी के टाइमर के एक्यूमुलेटर के। अगर आपने पीएलसी पढ़ा होगा तो आप 100% समझ पा रहे होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, अगर आपने नहीं पढ़ा तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अपने पीएलसी के ट्यूटोरियल डालेंगे तो आप वहां पर एक बार देखेंगे। अब हमारा टाइमर वहां चल रहा है, जैसा जैसा टाइमर चल रहा है मेरा स्लाइडर भी वहां वैसे ही चलेगा, पर मैं पहले सिर्फ स्काडा पढ़ रहा हूं तो हम स्लाइडर को अपने आप मूव करेंगे, फिर प्रोग्राम करके उसे हम ऑटोमेटिक भी करके आपको दिखाएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे उसको। तो सबसे पहला टास्क क्या है, प्रोजेक्ट बनाना, तो चलिए हम सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो कौन सा है, ये है हमारा इनटच। हमने इनटच पर डबल क्लिक किया, हमने यस किया, यस करने के बाद अब हमारा सॉफ्टवेयर ओपन होगा, हम इसे इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर करने के बाद हम आगे बढ़े, ये हमारा फाइल आया, मैं एक नई फाइल बनाना चाहता हूं, तो हम कहां जाएंगे सर, फाइल पे। फाइल में करने के बाद न्यू विंडो, आप न्यू विंडो पे गए, आपने एक नया विंडो बना लिया, आप जो भी विंडो बनाना चाहते हैं आपने विंडो का नाम दे दिया, जी जी। उसके बाद हमने क्या कर दिया, ओके, आप जैसे ही देते हैं तो क्या बोल रहा है, ये पहले से ही एग्जिस्ट है, तो आप क्या करेंगे इस बार, फाइल का नाम बदलेंगे, मैंने क्या नाम दे दिया, ए, और ओके किया, ये मेरा विंडो बनकर तैयार हो गया। अब इस फाइल में अगर आप देखें तो हमने क्या किया, एक फाइल मेरा पहले कहीं से सेव था, मैंने उसमें प्रोग्राम बनाने जा रहा हूं,
इस कंडीशन में हो सकता है हमें प्रॉब्लम आए, तो इस चीज को रिड्यूस करने का एक तरीका ओपन करने का ये था। दूसरा तरीका ओपन करने का क्या है, इसे हम यहां से बंद करते हैं, हम पूरा इन टच जो है स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया, इन टच, ये आ गया इन टच, इसको हमने डबल क्लिक किया, ये हमारा क्या हुआ, यस हुआ। आप क्या बोल रहे हैं, नो, आप जो पहले से स्टार्ट करके रखे हैं आप नया विंडो बनाएंगे, आप उसे आगे बढ़ाते हैं। हमने यस किया, ओके, इग्नोर, फाइल हमारा ओपन हुआ, फाइल जो पहले से चल रहा है मुझे वो नहीं चाहिए, मैंने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, फाइल पे गए, फिर क्या करेंगे, न्यू विंडो ओपन कर लिया। न्यू विंडो ओपन करने के बाद हम कहाँ जाएंगे, विंडो का नाम देंगे, हमने दे दिया डीडी, ओके कर दिया, और इसको हम करते हैं क्या, बड़ा। ये जो होता है ये कहलाता है विंडो मेकर। इन टच में तीन तरह से विंडो होती हैं, एक एप्लीकेशन विंडो होता है, दूसरा हमारा कौन सा होता है, विंडो मेकर, तीसरा हमारा कौन सा होता है, विंडो व्यूअर। विंडो मेकर जहां पर हम प्रोग्राम बनाते हैं, विंडो व्यूअर जहां प्रोग्राम को हम रन करते हैं। अब विंडो मेकर पर कोई भी चीज हम बनाएंगे, मतलब हमारा वर्क प्लेस होता है जहां चीजों को हम बनाते हैं, विंडो व्यूअर क्या होता है, जहां पर हम विंडो को रन करके देखते हैं। ओके, तो अब हमारा अगला टास्क क्या है, हम प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एनालॉग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, तो सबसे पहले क्या लाएंगे, स्लाइडर। तो स्लाइडर आएगा कहां से, ये होता है हमारा विजार्ड। विजार्ड हमारी क्या होती है, लाइब्रेरी। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यहां स्लाइडर मिल रहा है, दिस वन। स्लाइडर कौन सा लाएंगे सर, वर्टिकल स्लाइडर। हमने वर्टिकल स्लाइडर पे क्लिक किया, ये लाके यहां रख दिया। अब इस स्लाइडर का रेंज कहां है, 0 से लेके 100। अगर मैं चाहूं तो रेंज को बढ़ा सकता हूं, लेकिन हम 100 में ही काम कर रहे हैं। अब सर प्रॉब्लम क्या, मैं इसको टैग नेम देता हूं। टैग नेम देने का मतलब क्या, आप इस स्लाइडर से जिन जिन चीजों को चलाना चाहते हैं आप सभी का टैग नेम सेम देंगे, मतलब सबकी कनेक्टिविटी एक जैसी होनी चाहिए। हमने इधर डबल क्लिक किया, टैग नेम देने की बारी आई, हमने क्या कर दिया, टी। अगर आप यहां देखें मिनिमम और मैक्सिमम दिख रहा है, फिर उसका डिवीजन दिख रहा है, वो सारी चीजें आपने यहां पर देख ली। ओके, तो अब हमने क्या किया, चेंज नहीं किया, हमने स्लाइडर का कलर कॉम्बिनेशन सब कुछ सेम रहने दिया, हमने ओके कर दिया। क्या बोल रहा है, डिफाइन करें। मैं ये कौन सी प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहा हूं सर, एनालॉग प्रॉपर्टी। आप यहां देखें क्या लिखा हुआ है, मेमोरी रियल। हमने क्या किया, सिर्फ इसको सेव कर दिया, सेव करने के बाद क्लोज कर दिया। अब हमारा इसका टैग नेम क्या हो गया सर, टी। ओके, अब अगर मैं रन करता हूं, ये रन विंडो पे गए, ये आ गया। स्लाइडर मूव करेंगे, ये स्लाइडर आपको चलते हुए दिख रहा है, गॉट इट सर, ये मेरा स्लाइडर चल रहा है। ओके, अब अगर ये स्लाइडर चल रहा है तो मुझे वैल्यू तो समझ ही नहीं आ रही, तो उसके लिए हम वैल्यू डिस्प्ले लगाते हैं। तो कहां जाएंगे, वापस से विजार्ड पे गए, ये दिख रहा है वैल्यू डिस्प्ले, हमने एनालॉग वैल्यू डिस्प्ले ले आए, ये लाके यहां हमने रख दिया। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे सेम वही टैग नेम देंगे जो किसको दिया था, स्लाइडर को। स्लाइडर को क्या टैग नेम दिया था, टी। हमने टी दिया, ओके कर दिया। अब देखिए जरा, अब जब मैं इसको रन करूंगा तो ये हमें वैल्यू भी बताएगा, गॉट सर। तो मेरा स्लाइडर जैसा मूव हो रहा है वैसा काम चल रहा है, ओके सर। अब अगला पार्ट मैंने बोला था एनालॉग प्रॉपर्टी पढ़ने वाले, तो एनालॉग प्रॉपर्टी पढ़ने हम शुरुआत करते हैं बॉटल फिलिंग से। एक फिलिंग प्लांट बनाएंगे, हम उसको रन करेंगे और उसको पूरा प्रॉपर देखेंगे वो किस तरह से हमारा काम कर रहा है, गॉट इट सर। तो फिलिंग प्लांट बनाने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या आएगी सर, बॉटल चाहिए होगा, उसके बाद ही तो काम कर सकते हैं हम। तो बॉटल लाने के लिए क्या करेंगे सर, विजार्ड पे गए। अच्छा, जो चीज आपको विजार्ड पर नॉर्मल दिखाई देती है वो आप लेके आएंगे, उसे डायरेक्ट चला लेंगे, लेकिन विजार्ड में एक नई चीज भी होती है, दैट्स नेम इज व्हाट, सिंबल फैक्ट्री। हम कहां गए, सिंबल फैक्ट्री में गए। सिंबल फैक्ट्री में जाने के बाद जब मैं यहां लेके आता हूं तो बहुत सारी चीजें मुझे दिखाई देती है, पर मुझे चाहिए क्या, बॉटल, दैट इज व्हाट, कंटेनर। मैंने सी प्रेस किया, मैंने डाउन किया, ये आ गया मेरे पास कंटेनर। मैंने कौन सा वाला कंटेनर लाया, पिल बॉटल, डबल क्लिक किया, ये लाके रख दिया। अब सर एक चीज हमें ध्यान देना होगा, जब आप जो कोई भी चीज सिंबल फैक्ट्री से लेके आते हैं उसका हमेशा ब्रेक सेल किया जाता है। आप पूछेंगे क्यों सर, ब्रेक सेल इसलिए करते हैं क्योंकि वो सभी एक सेल के अंदर है। आप प्रॉपर्टी किस पे लगा रहे हैं, उनके किसी एक कंपोनेंट पे। अगर आपने उस पर प्रॉपर्टी लगाई तो सारे में प्रॉपर्टी तो बदलने नहीं, मेरे को बदलना किसका है, उसको। तो पहले क्या करेंगे, उसको सेल के बाहर निकालेंगे। जैसे मैं बात करूं मुझे किसी चीज को चेंज करना है तो उसको पहले उसको सेल से बाहर निकालना होगा। तो मैंने सेल से बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद सेल एंड सिंबल पे गए। सेल एंड सिंबल करने पे जाने के बाद क्या करेंगे, ब्रेक सेल। ब्रेक सेल हो गया सर। ब्रेक सेल करने के बाद हमारा अगला टास्क क्या होगा, हम उस पर डबल क्लिक करेंगे। देखिए हमारी प्रॉपर्टी विंडो खुल गई। इसके पहले प्रॉपर्टी विंडो नहीं खुलेगा हमारा, क्योंकि हमारा क्या होगा, हम उसी में चले जाएंगे जहां से हम लेके आए थे। हमने ब्रेक सेल किया तो हमारा प्रॉपर्टी विंडो खुल गया। अब हमारा टास्क क्या है सर, फिलिंग प्लांट। काम क्या होगा, बॉटल फिल करना। बॉटल फिल करने का मतलब हम कौन सी प्रॉपर्टी में जाएंगे, दिस वन, परसेंट फिल।
परसेंट फिल दो तरह से है हमारा, पहला क्या वर्टिकल, दूसरा हॉरिजॉन्टल। अगर आप ध्यान से देखें तो बॉटल में कौन सा फिलिंग होगा सर, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? बॉटल वर्टिकली रखी गई है तो हमारा फिलिंग क्या होगा, वर्टिकल होगा। गुड सर, तो हम वर्टिकल फिलिंग पे आए, ये हमारा विंडो खुल गया। इसका डब बहुत आसान होता है, पर अगर आप अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूज होते हैं तो आपकी चीजें थोड़ी उल्टी पुल्टी दिखाई देने लगती हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको चीजों को ध्यान में रखना है। अगर आप ध्यान से देखें तो जो लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू दी है, ये वैल्यू होती है किसकी, स्लाइडर की। फिर उसके बाद राइट हैंड साइड वैल्यू है, राइट हैंड साइड किसकी वैल्यू होती है, हमेशा ऑब्जेक्ट की। तो ये आपसे पूछ रहा है पहले एक्सप्रेशन दो, आप किसके थ्रू चलाना चाहते हो। मैं किसके थ्रू चलाना चाहता हूं, बॉटल के थ्रू। हमारा किसके थ्रू चलेगा बॉटल, ये स्लाइडर के थ्रू। स्लाइडर का टैग नेम क्या दिया था, टी, मैंने यहां भी टी दे दिया। अब अगला टास्क हमारा, हम स्लाइडर का रेंज डिसाइड करेंगे, कब तक में भरना है। मैंने बोला जब स्लाइडर की वैल्यू जीरो हो तो मेरा बॉटल 0% भरा हो। जब मेरे स्लाइडर की वैल्यू कितनी हो जाए सर, 30, तो मेरा बॉटल कितना भर जाना चाहिए, 100। आप देखें मैंने स्लाइडर तरफ स्लाइडर की वैल्यू दी, बॉटल तरफ बॉटल की वैल्यू दे दी। ओके, अब अगला भाग डायरेक्शन, फिलिंग अप होगा या डाउन सर। अगर पानी ऊपर से मैं भर रहा हूं तो मेरा पानी ऊपर भरती हुई ही जाएगा, वो लगे ऐसे रहा है कि डाउन फिलिंग हो रही, पर हो क्या रहा एग्जैक्टली, फिलिंग अप हो रही है हमारी, मतलब हमारा फिलिंग क्या होगा, अप होगा। तो हमने क्या किया, डायरेक्शन अप ले लिया। वेरी गुड सर, द नेक्स्ट बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर का मतलब क्या हुआ सर, बैकग्राउंड कलर हम अपने बॉटल का कलर क्या रखना चाहते हैं। तो हमने बैकग्राउंड कलर क्या कर दिया सर, व्हाइट। मतलब जब मेरी फिलिंग नहीं हुई हो उसके पहले मेरा बॉटल कैसा होना चाहिए, व्हाइट कलर का। देखिए व्हाइट कर दिया, ओके किया। अब सर प्रॉब्लम ये आ रही है, मैंने बॉटल तो व्हाइट कर दिया, मैं फिलिंग कर रहा हूं उसका कलर कैसे देंगे, तो वो कलर हमेशा आप देते हैं यहां से, ये दिया हुआ फिल कलर। आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए रहिए, फिल कलर में जाइए, हमने ग्रीन सेलेक्ट कर दिया, क्यों, चलो हम लोग स्प्राइट पीने वाले हैं, हमने स्प्राइट सेलेक्ट किया। अब देखिए हम रन करते हैं और हम अब देखते हैं, हमने स्टार्ट किया सर, बॉटल मेरा भरना शुरू हुआ। जैसे ही मेरा प्रोसेस कंप्लीट होता है 30, मेरा बॉटल कंप्लीट हो जाता है। लेकिन सर यहाँ पानी गिरेगा नहीं, क्योंकि हमने कितना दिया है सर, 30 दिया है। 30 देने के बाद हमारा फिलिंग प्लांट बंद हो जाएगा। अब सर प्रॉब्लम ये आ रही, आपका बॉटल तो भर रहा है, पर बॉटल भरा कैसे रहा होगा, कहीं ना कहीं से तो पानी आ रहा होगा, पानी कहां से आ रहा होगा, कहीं ना कहीं टैंकर से आ रहा होगा। तो हम इसके ऊपर कंटेनर लगाएंगे, तो वापस से कहां जाएंगे सर, डेवलपमेंट में। जो भी चेंजेस होंगे वो कहां होंगे, डेवलपमेंट पे। जो भी रन करना होगा कहां, रन विंडो पर देखेंगे। ये सर हम वापस से कहां जाएंगे, विजार्ड पे। फिर कहां गए, सिंबल फैक्ट्री में, डबल क्लिक किया, टैंक पे प्रेस किया, टी किया, हमने एक टैंक लाया। टैंक लाने के बाद टैंक का हम ब्रेक सेल करेंगे, सेल सिंबल में गए, ब्रेक सेल किया, टैंक को टैंक जैसा बना देते, थोड़ा सा बड़ा कर दिया, got it sir? ये बड़ा हो गया। अब टैंक पे प्रॉपर्टी लगाएंगे, फिलिंग सेम, हमने डबल क्लिक किया, प्रॉपर्टी कहां गया, वर्टिकल। सर एक बात ध्यान रखेंगे, जब मेरा बॉटल भर रहा था तभी मेरे टैंक से पानी निकल रहा होगा, मतलब फिलिंग और उसके बाद जो हमारा प्रोसेस का ड्रॉप आउट हो रहा है वो दोनों तरीके एक ही जैसे होंगे, मतलब स्लाइडर की वैल्यू मेरी सेम होगी। मतलब मेरे बॉटल टैंक से पानी का निकलना और बॉटल में भरना, स्लाइडर का वैल्यू सेम होगा, बट ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एक बॉटल भरने से टैंक तो खाली होने से रहा, तो हम क्या करेंगे उसको अपने हिसाब से खाली करेंगे कि आप कितना खाली करना चाहते हो। हमने यहां क्या कर दिया सर, स्लाइडर की वैल्यू सेम रहने दी, मैंने यहां क्या कर दिया, 20% हटा दिया। अब अगर 20% हटाएंगे तो यहां दिखाई कितना देगा 20%, तो हमने क्या करता, चले 50-50 कर लेते हैं, अपन ने 50% कर दिया माना। अब अगला टास्क क्या होगा, डायरेक्शन अप या डाउन, क्योंकि बॉटल में पानी आ रहा है, टैंक से आ रहा है, तो डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, डाउन होगा सर। हमने डायरेक्शन सेलेक्ट कर लिया, डाउन। अब बैकग्राउंड कलर की बारी आती सर, हमेशा ये ध्यान रखना होगा जो बॉटल में भर रहा है वो बैकग्राउंड होगा टैंक का। क्यों, क्योंकि टैंक में जो पानी है वही, या टैंक में जो भी लिक्विड है वही लिक्विड तो बॉटल में आ रहा है मेरा। तो अगर टैंक में हरा कलर भरा है तो बॉटल में कौन सा आएगा, हरा ही कलर आएगा, मतलब टैंक का बैकग्राउंड कलर क्या होगा, हमेशा हरा होगा। तो हमने बैकग्राउंड कलर क्या कर दिया सर, हरा कर दिया। अब सर तो टैंक का फिलिंग कलर क्या होगा, जब टैंक खाली होगा तो उसमें हवा भरेगी, हवा भरेगी मतलब व्हाइट कलर आएगा। तो हम फिलिंग कलर में जाएंगे, क्या सेलेक्ट कर देंगे सर, व्हाइट कलर सेलेक्ट कर दिया। और अब देखते हैं हमारा कैसा दिख रहा है। हमने देखा ये मेरा टैंक भरा था, मैंने स्लाइडर को मूव किया, मेरा धीरे 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 करके बॉटल भर गया। करेक्ट सर, उम्मीद है कि समझ आया होगा ये। अब सर आगे बढ़ते हैं, बॉटल भरने के बाद मैं उस बॉटल को क्या करना चाहता हूं, बॉटल को मूव करना चाहता हूं। मतलब मैं क्या चाह रहा हूं, बॉटल मेरी यहां से चलकर यहां तक आ जाए। देखिए
अब उसके बाद हमारा टास्क यहां के बाद मैं चाहता हूं कि बॉटल मेरी ऊपर भी चली जाए, तो मेरे को इस पोजीशन से इस पोजीशन पर आना है। तो सर यहां से यहां आने के लिए बीच का डिस्टेंस देखना होगा। तो डिस्टेंस कैसे देखेंगे, सबसे पहले मैंने इसका डुप्लीकेट बनाया, इसको लाके रख दिया यहां, फिर इसका डुप्लीकेट बनाया, इसको रख दिया कहां पे सर, ऊपर, ये यहां, क्योंकि मुझे यहां जाना था। तो पहले डिस्टेंस देखते, यहां पर गए और डिस्टेंस देखा एक्स डायरेक्शन में कितना है 260। कितना डिस्टेंस है सर 260। यहां पर कितना है अगर ध्यान से देखें तो 1190। चलिए हम इसको थोड़ा सा इजी कर लेते हैं सर, 1160 ला लिया। अब 260 से 1160 मुझे जाना, 260 से 1160 डिफरेंस कितना आएगा सर 900। चूंकि 260 से 1160 गए हम, तो डिफरेंस कितना हुआ 900, तो हम इसको कितना चलाएंगे सर 900 ही चलाएंगे। तो सर पहले देखते हैं डिस्टेंस मेजर करी हमने, यहां 260 था, यहां 1160, यहां 260। तो हम प्रॉपर्टी किस पे लगाएंगे, फर्स्ट बॉटल पर। ऑलवेज प्रॉपर्टी कहां लगेगी, फर्स्ट बॉटल पे। हमने डबल क्लिक किया, अब प्रॉपर्टी कौन सी आएगी, लोकेशन आएगी। फिलिंग तो कर ली मैंने, लोकेशन की बारी करते, लोकेशन में कौन सी प्रॉपर्टी आएगी सर, हॉरिजॉन्टल होगा। क्यों, क्योंकि हमारा मूवमेंट किधर हो रहा है, हॉरिजॉन्टल हो रहा है, तो हॉरिजॉन्टल पे क्लिक किया। अब अगेन लेफ्ट हैंड साइड किसका वैल्यू, स्लाइडर, राइट हैंड साइड किसका वैल्यू, ऑब्जेक्ट का। तो लेफ्ट हैंड साइड, अब देखिए जरा यहां क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट टू राइट। एग्जैक्टली हम कहां जा रहे हैं सर, लेफ्ट से राइट, तो लेफ्ट में कम वैल्यू होगी, राइट में ज्यादा वैल्यू होगी, पर लेफ्ट में वैल्यू कितनी होगी ये हमारे लिए बड़ा टास्क है। लेफ्ट में कितनी वैल्यू होगी सर, फिलिंग मैंने कहां से लगाया था, 0 से 30, तो हमारा लेफ्ट वैल्यू हमेशा कितना होगा 30 होगा, तो मैंने लेफ्ट में रख दिया कितना 30। राइट में कितना करते हैं हम, राइट में कर देते हैं 70, मतलब 30 to 70 वो लेफ्ट से राइट चला जाए कितना 900 ग्रिड, करेक्ट सर, ओके। अब जाएगा कितना, वो लिख दिया यहां पर 900। आप देखें जब 30 पे था अपनी जगह पे था, जैसे ही 70 पे पहुंचा, इट्स नॉट 170, 70 पे पहुंचा कितना हो गया 900। टैग नेम दे दिया सेम, टी, ओके किया, और अब देखते हैं क्या सर ऐसा हो रहा है। ये देखिए मैंने भरा और आगे बढ़ाया, ये बॉटल मेरी अपने आप वहां चली गई जहां मैंने रखा था। अब देखिए इतना हो गया, अगला टास्क हमारा क्या, वर्टिकल मूवमेंट देखते हैं। यहां पर कितना है सर, वाई की पोजीशन 300, ऊपर कितना है 30। अच्छा एक चीज ध्यान रखिए, स्काडा का कोऑर्डिनेट सिस्टम थोड़ा अलग चलता है, एक्स तो सेम वैसा का वैसा ही है लेकिन वाई अलग है। नॉर्मली हम बात करें तो वाई में ऊपर क्या होता है प्लस, नीचे क्या होता है माइनस, पर यहां उल्टा है, ये स्टार्ट कहां से होगा माइनस, नीचे प्लस आएगा। देखिए जरा यहां कितना है 30 और नीचे कितना है 300, मतलब 30 से नीचे नीचे बढ़ा है हमने, मतलब पॉजिटिव तरफ हम बढ़ रहे हैं, करेक्ट सर, ओके। तो डिफरेंस कितना आएगा 270। चलिए आइए इस वाले पे आए, डबल क्लिक किया और हम वर्टिकल पे गए, टैग नेम दे दिया टी। अब हमें जा रहे सर टॉप पे, जा रहे टॉप पे, तो बॉटम पे कितनी वैल्यू आएगी कम, पर कितनी वैल्यू आएगी जहां तक हम हॉरिजॉन्टल मूव किए थे, कहां 70, ऊपर कहां तक जाना सर 70 के ऊपर गए तो हमने कर दिया 100, और कितना अप जाना है सर, डाउन में हमने कर दिया 0 और अप में जाएंगे हम कितना 270, ओके सर। और ये रन करके देखते हैं, ये मेरा बॉटल ऊपर गया और ये अपने आप फिलिंग के ऊपर, ओके, इतना काम बन गया। अब एक चीज शायद आपको अजीब लग रही होगी, ये बॉटल ऊपर कैसे जा रही है, तो चलिए लिफ्ट लगा देते हैं, उसके लिए अगली प्रॉपर्टी होगी दैट्स नेम इज व्हाट, ऑब्जेक्ट साइज, ये हमने लगा दिया। अब इसको हम कर देते हैं डिलीट, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं थी, हमने काहे के लिए रखा था, सिर्फ देखने के लिए। अब सर दिक्कत यह हुई, पीछे वाली बॉटल ही गायब हो गई, अब उसको डिलीट कैसे करेंगे, तो यहां पर होता है सेंड टू बैक और सेंड टू फ्रंट, हमने क्या करना सेंड टू बैक, वो बॉटल आ गई, दिख गया। अब इस बॉटल को अपन क्या करते हैं डिलीट कर देते हैं, गॉट इट। अब हम लिफ्ट को लगाएंगे, हमने पहले क्यों रखा था, जिससे मुझे पता चले लिफ्ट चलेगी कहां तक। तो पहला प्रॉपर्टी पढ़ा हमने फिलिंग, दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ी हमने लोकेशन, तीसरी प्रॉपर्टी हमारी काय की है सर ऑब्जेक्ट साइज की, ये तीनों प्रॉपर्टी कौन सी है हमारी एनालॉग प्रॉपर्टी है। तो हम आते हैं डबल क्लिक किया यहां, ये है हमारा ऑब्जेक्ट साइज, चेंजेस कहां हो रहे हैं हाइट या विड्थ में, सर हाइट में चेंजेस हो रहे हैं, तो अपन कहां जाएंगे हाइट, हाइट में चेंज करने के बाद क्या करेंगे, कब चेंज हो रहा है जब वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है, वर्टिकल मूवमेंट कब हो रहा था सर 70 से लेके 100 के बीच में, तो हमने यहां क्या कर दिया 70 ऊपर 100, करेक्ट सर। अब कितना चेंज हो रहा है, पहले वो जीरो होगा
लिफ्ट अचानक से 100 तक जाएगा, जिससे आपको पता चले कि हाँ लिफ्ट ऊपर जा रही है। लेकिन हम शुरू कहाँ से करेंगे? बॉटम टू टॉप, नीचे से लेकर ऊपर जाएगी। हमने इसको कर दिया क्या टी और ओके, और ये देखिए रन कर दिया। और अब देखें आप, आई थिंक एंजॉयड, ये यहां गया, ये अपने आप लिफ्ट ने उसको ऊपर कर दिया। करेक्ट सर? ओके। अभी भी इतने में बहुत अच्छा नहीं लग रहा, क्यों? क्योंकि हमारा बॉटल घिसकते हुए जा रहा। तो हम कन्वेयर बेल्ट बनाते हैं। कन्वेयर बेल्ट कैसे बनेगा? द नेक्स्ट अगेन प्रॉपर्टी इज वन व्हाट? ओरिएंटेशन। ये भी हमारी क्या होती है? एनालॉग प्रॉपर्टी होती है सर। आइए तो हम डेवलपमेंट पे आते हैं। तो ओरिएंटेशन लगाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा कि हम ओरिएंटेशन लगाएं किस पे। तो हम क्या करते हैं, कुछ बैरिंग्स लाते हैं। हम कहां गए? सिंबल फैक्ट्री में। डबल क्लिक किया, मैंने यहां प्रेस कर दिया एम। हमको ये अच्छा लग रहा है, माइनिंग में थोड़ा देखने में ठीक लगता है, अपन इसको लेके आते हैं। यहां लाके इसको हमने रख दिया। सेम अगेन, ब्रेक सेल नहीं करेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे? जहां से लाए थे। तो अपन क्या करेंगे? ब्रेक सेल करेंगे। इसका हमने ब्रेक सेल कर दिया। ब्रेक सेल करने के बाद प्रॉपर्टी लगाएंगे, डबल क्लिक किया। कौन सी प्रॉपर्टी सर? मिसलेनियस में अगली प्रॉपर्टी कौन सी होगी? ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में गए सर, हमारा मूवमेंट होना। ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी क्या करता है? रोटेशन का काम करता है। 360 डिग्री रोटेशन हो रहा है, या उससे कम या उससे ज्यादा। ज्यादा तो हो ही नहीं जाता सर, 360 ही रहेगा। तो आप 0 टू 360 डिग्री कितना भी मूव कर सकते हैं, लेकिन इसको कितना मूव करना? कंप्लीट मूव करना हमको। तो हम क्या करेंगे? क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज। तो इसको कैसे घुमाएंगे सर? क्लॉकवाइज। कब घुमाएंगे? जब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कब हो रहा है सर? 32 70। मैंने यहां दे दिया 30, यहां क्या दे दिया सर? 70। मूवमेंट कितना होना? रोटेशन 360 डिग्री। अब एक्स और वाई की पोजीशन की बारी आती है सर, ये हमें बहुत ध्यान देना होगा। अगले वीडियो में मैं आपको और भी इसमें क्लियर करूंगा कि अभी हम पूरा फिलिंग प्लान बना रहे हैं, तो हम उस पर फोकस कर रहे हैं। हम जब आगे पहुंचेंगे तो हम आपको क्लियर कराएंगे कि हम ये अलग अलग प्रॉपर्टीज पे और क्या क्या चीजें आरएनडी कर सकते हैं, क्या उसमें और चेंजेस कर सकते हैं। वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग पर टॉपिक, राइट? हम अपने पूरे ट्यूटोरियल में आपको सारी चीजें देने वाले हैं, पर अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी हम बेसिक चीजें देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिक प्रॉपर्टी पहले कैसे लगती है। तो हमने क्या किया? एक्स और वाई की पोजिशन 0 0 दे दी। क्यों सर? ये एक सर्कल है, सर्कल मूव कहां से होगा? सेंटर से। तो सेंटर की वैल्यू क्या होती है सर? एक्स जीरो एंड वाई जीरो। गॉट इट सर? ओके। तो हमने एक्स और वाई को 0 0 रहने दिया। टैग नेम देंगे वही, कौन सा? स्लाइडर वाला। हमने क्या दे दिया? टी। और हमने क्या किया? ओके। अब सर मैं इसका डुप्लीकेट बना लेता हूं। डुप्लीकेट क्यों बना रहे हैं? क्योंकि सब में सेम प्रॉपर्टी हो गई मेरी। ये हमने डुप्लीकेट बनाया, देखिए ये हमारा कन्वेयर बेल्ट बनकर तैयार हो गया, ठीक है। और हम रन करते हैं और देखिए आपको कैसा लगता है सर। जैसे ही बॉटल चला, ये कन्वेयर मेला घूमा और बॉटल वहां गई और ये अपने आप ऊपर चली गई सर। आई थिंक एंजॉय। अब सर दिक्कत क्या आ रहा है? एक और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, उसका नाम क्या है? ब्लिंकिंग। ब्लिंक कब होगा वो? आज हम जारी एनालॉग प्रॉपर्टी को ओवरव्यू देख लेंगे कि कैसा यूज करते हैं। बाकी डिटेल में हम अगले एक एक प्रॉपर्टी का अलग अलग हम वीडियो बनाकर आपको दिखाएंगे कि उसमें क्या क्या हम और चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं। गॉट इट सर? ओके। तो अब हमारा टास्क क्या है? मैं एक ब्लिंक बनाना चाहता हूं, तो मैंने क्या किया? एक सर्कल बना दिया। अब ये काम क्या करेगी? जब मेरा फिलिंग चल रहा उस समय पर ही ब्लिंक हो अकेला। कब? जब फिलिंग चल रही हो। तो क्या किसका काम करेगा? इंडिकेशन का। हमने इस पर डबल क्लिक किया और कहां गए? ब्लिंक में। ब्लिंकिंग कब करानी है सर? जब फिलिंग हो रही है। फिलिंग कब हो रही है? 0 से लेके 30 तक। तो 0 से 30 तक फिलिंग करानी है, तो अपन वो देखते हैं। तो टैग नेम लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? टी ग्रेटर देन 0 एंड टी लेस देन 30। मतलब कहां? चाहो तो आप लेस देन इक्वल टू भी लिख लो, या आप 31 लिख लो। तो कहां तक चलेगा? 0 से लेके 31 तक। ओके सर। पर ब्लिंक होना, ब्लिंक लगा दिया। ब्लिंक कलर क्या होना सर? ब्लिंक कलर मैंने कर दिया रेड। लाइन कलर, ब्लिंक के बाहर कलर कौन सा होता है? तो अपन ने क्या कर दिया उसमें? व्हाइट कर दिया। अगर आप कुछ लिखे होते टेक्स्ट ऑन ऑफ एंड ऑल, तो आप उसका टेक्स्ट कलर भी कर सकते थे। ब्लिंकिंग स्पीड मीडियम। ओके किया सर, ओके किया। अब रन करके देखते सर। अभी आप देखो 100 पर नहीं ब्लिंक हो रहा है, अभी आप देखो 0 पर नहीं ब्लिंक हो रहा है। जैसे ही 0 से आप ऊपर करोगे, ये ब्लिंकिंग स्टार्ट हो गई। ब्लिंकिंग कब हो रही है सर? जब फिलिंग हो रहा है। करेक्ट सर? ओके। अब सर आप ये बोल सकते हैं शायद, सर आपने बोला एनालॉग प्रॉपर्टी, ऑटोमेशन का मतलब होता है सारी चीजें ऑटोमेटिक चलें। आप तो मैं अभी इधर स्लाइडर को घुमा रहे हो,
तो सर चलिए हम ऑटोमेटिक कर देते हैं उसको। अगर मैं पीएलसी लगाता तो मैं अपने स्लाइडर को क्या करता, टाइमर के साथ कनेक्ट कर देता, लेकिन यहाँ पे मेरे पास पीएलसी नहीं है, लेकिन हम उसका प्रोग्राम बना देंगे। प्रोग्राम कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहला टास्क हमारा क्या, एक बटन लेके आएंगे। मैंने एक बटन लिया, बटन पे डबल क्लिक किया। एक्चुअली ये डिस्क्रीट प्रॉपर्टी है, हम उसको आगे आपको बताएंगे डिस्क्रीट प्रॉपर्टी कैसे चलती, पर अभी सिर्फ बटन कैसे लाया वो देख लीजिए। बटन लाने के बाद हम डिस्क्रीट प्रॉपर्टी में जाएंगे। हमारा यहाँ क्या है, डिस्क्रीट प्रॉपर्टी में जाने के बाद हम डिस्क्रीट वैल्यू में गए, यहाँ पर हमने इसको टॉगल कर दिया। टॉगल बोले तो एक बार बटन दबाया ऑन, एक बार बटन दबाया तो ऑफ, जैसे अपने घर का बटन होता है ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, राइट। तो हम इसका टैग नेम अलग देंगे, क्यों, क्योंकि स्लाइडर जो था एनालॉग था, ये कौन सा है, डिस्क्रीट है या डिजिटल है। मैंने टैग नेम क्या दे दिया, बी, और हमने इसको टॉगल करने के बाद ओके किया, मैंने डिफाइन किया, सेव किया और क्लोज कर दिया। ओके सर, अब सर प्रोग्राम लिखने की बारी आई। कहीं भी खाली जगह पर आप क्या करें, राइट क्लिक करें और आपको मिलेगा विंडो स्क्रिप्ट। अब विंडो स्क्रिप्ट में क्या लिखना सर, इफ, यदि स्लाइडर की वैल्यू छोटी बराबर हो किसके, 100 से, मतलब स्लाइडर अगर 100 से छोटा है और उस समय पर एंड बटन बी डबल इज इक्वल टू 1 हो, देन क्या होना। आप अगर ध्यान से देखें तो आप जो भी वैल्यू ये लिखा रहे हैं, चाहो तो आप इन्हें लिखो या फिर आप इनकी जगह पर आप यहां से भी ला सकते हैं सारी चीजों को, कहां से, यहां। इफ t less than is equal to 100 and b double is equal to 1, then क्या होना सर, स्लाइडर की वैल्यू, स्लाइडर इज इक्वल टू t plus 1 semicolon and if। अब सर इस प्रोग्राम को समझते हैं। इफ प्रोग्राम होता है, हमेशा बॉडी लगाई जाती है। इस प्रोग्राम में मैं बॉडी लगाया नहीं, तो मैंने इफ प्रोग्राम लिखा एंड कर दिया, मतलब ये इफ कहां तक चलेगा, जहां से लिखा उसका, जहां पहली बार इफ एंड इफ लगा। अब ये प्रोग्राम कह क्या रहा है, यदि स्लाइडर की वैल्यू 100 से छोटी बराबर हो और उसी समय पर तुमने बटन ऑन कर दी, तो क्या होना, स्लाइडर की वैल्यू में एक एक वैल्यू बढ़ जाना। दैट मींस व्हाट, स्लाइडर की वैल्यू कितनी, माना 88 है, तुमने बटन चालू किया 89, 90, 91, 92, अभी क्या हो रहा है, स्लाइडर अपने आप बढ़ रहा है। ऐसा करते करते 100 तक तो चला गया। अब 100 तक जाने के बाद सर तकलीफ क्या आएगी, वो नीचे कैसे आए, अगर आपने घटा दिया तो वही बॉटल भरेगी, वही बॉटल खाली होगी, वही बॉटल भरेगी, वही वाली घटा लगी, लेकिन हमें ऐसा करना नहीं, हमें करना क्या सर, मेरा बॉटल भरे फिर दूसरा भरे, तो उस चीज के लिए क्या करेंगे सर, हम उसको अलग प्रोग्राम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यदि इफ टी की वैल्यू डबल इज इक्वल टू हो जाए 100 के, देन क्या होना चाहिए सर, टी अपने आप बराबर हो जाए किसके, 0 के, टी 0 सेमीकॉलन और एंड इफ। अब सर यहां एक चीज आएगी, आप यहां लिखा है एवरी, हर कितने सेकंड में आप चेंज करना चाहते हो, लिखा है 0 मिलीसेकंड, तो अपन क्या करेंगे, सबसे कम दे देते कितना, 1 मिलीसेकंड। अब इसको वैलिडेट करता हूं मैं, मैंने वैलिडेट कर दिया। वैलिडेट करने से क्या हुआ, अगर एरर आता तो वो हमें एरर देता, लेकिन अगर मेरा कर्सर अपने आप फर्स्ट लाइन पे चला गया, मतलब क्या है, वैलिडेट हो गया, प्रोग्राम सही है। अपन ने क्या किया, ओके किया और उसके बाद रन करते हैं और फिर एंजॉय करते हैं। सर ये हमने बटन दबा के छोड़ दिया, मेरा स्काडा अपने आप चलने लगा, मैंने कुछ भी मूवमेंट नहीं किया, सब कुछ कैसा चल रहा है सर, ऑटोमेटिक। देखें अपने आप 100 जाएगा। एक बार जब पहली बार आपने चलाया था, इसको 0 कर दीजिए, नाउ अब रिक्वायरमेंट नहीं आएगी, अब अपने आप सारा काम अपने आप चलता रहेगा। देखिए आप चेक कर लें, आप अब जैसे ही 100 पर पहुंचेगा अपने आप कहां चला जाएगा, 0 पर, मैंने कोई भी चेंजेस नहीं करे, अपने आप कहां आ गया, 100 पे आ गया सर। तो ये हमारा क्या था, हमारी एनालॉग प्रॉपर्टीज के कुछ टाइप थे। पहला एनालॉग प्रॉपर्टी कौन सा पड़ा, फिलिंग, किसी भी चीज को फिल करने के लिए अपन परसेंट फिलिंग लगाते हैं। फिर दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ी हमने लोकेशन, किसी भी चीज को मूव करने के लिए लेफ्ट या राइट हम कौन सा यूज करेंगे, हॉरिजॉन्टल, टॉप या बॉटम कौन सा यूज करेंगे, वर्टिकल। फिर उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या थी सर, ऑब्जेक्ट साइज, किसी का साइज छोटा बड़ा करने के लिए हम ऑब्जेक्ट साइज लगाते हैं, या तो हाइट या तो वेट। उसके बाद थर्ड नंबर, नेक्स्ट वन इज व्हाट, हमारा क्या था, ब्लिंकिंग, ब्लिंक आई के लिए, इंडिकेट करने के लिए हमने ब्लिंकिंग लगा दिया। फिर उसके बाद अगली प्रॉपर्टी क्या पड़ी, ओरिएंटेशन, किसी भी चीज को मूव करने के लिए हम, रोटेशन के लिए हम किसको यूज करते हैं सर, ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी को। उसके बाद नेक्स्ट टास्क हमारा क्या आता है सर, हम उसको ऑटोमेटिक कैसे करते हैं, उसके लिए हमने लगाया विंडो स्क्रिप्ट। सर ऑब्वियसली अगर मैं विंडो स्क्रिप्ट लगाऊंगा तो कुछ ना कुछ ऐसा चीज होना चाहिए जो बटन दबाए, तो हमने क्या लगा दिया, बटन। अब बटन की जगह सेंसर लगा दी, जैसे सेंसर ने सेंस किया वो अपने आप ऑटोमेटिक चलने लगेगा, राइट।
उम्मीद करते हैं कि जितनी मैंने प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई है ये हमें आपको समझ आई होगी, राइट सर। ये हमारा पहला वीडियो था, पहला सेशन हमने डाला, तो हमने आपको बॉटल फिलिंग प्लांट पढ़ाया, राइट सर, कि वो किस तरह से हमारा मूव हो रहा है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल से हम आपको अपलोड करेंगे, हम अलग अलग प्रॉपर्टी पर अलग अलग ट्यूटोरियल बनाएंगे जिससे आपको चीजें प्रॉपर क्लियर हों। जैसे मैं बात करूं, अभी हमने सिर्फ हॉरिजॉन्टल फिलिंग देखा, वर्टिकल फिलिंग देखा अकेला, हॉरिजॉन्टल फिलिंग कहाँ लगेगी, किस तरह यूज होगी, फिर अगर मैंने माना कोई मेरे पास एक पार्ट है, उस पार्ट को मुझे अलग अलग पार्ट में ब्रेक करना, तो कैसे ब्रेक करेंगे, फिर उसके बाद हम अलार्म कैसे लगाएंगे, फिर हम ट्रेन कैसे लगाएंगे, सिक्योरिटी कैसे लगाएंगे, रेसिपी कैसे बनाएंगे, फिर हम किस तरह से अपने स्काडा को एक्सेल के साथ जोड़ेंगे, फिर हम अपने स्काडा को पीएलसी के साथ कम्युनिकेट कैसे करेंगे, वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग, सारी चीजें हम आपको यहाँ बताने वाले हैं। हमारा ये पहला वीडियो है, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप उसे लाइक करें और आप उसे शेयर करें। अगर आपको कोई डाउट आता है या आप कुछ पूछना चाहते हैं या आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर अपना वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें, आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपका वो वीडियो अपलोड करके आपको दें, राइट। थैंक यू सो मच, आप हमारे वीडियो को देखते रहें और आपको जो कुछ भी लगे आप हमें सजेशन दें। थैंक यू सो मच सर।